सो और भाई लोग यार कैसे हो सब, आई होप सब ठीक होंगे। तो आ जाओ फिर से देखते हैं हम बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक्स को। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहले ट्रिक होने वाली है बिग हेड मोड में, और इस मोड में जब भी क्लॉक टावर पूरा जोन के बाहर रहे तो सिंपली आपको क्लॉक टावर पे जाने के बाद गेम को मिनिमाइज करके ओपन करना है। इसके बाद आप लोग इस तरीके से भाई पूरा क्लॉक टावर के नीचे आ जाओगे और अंदर से पूरा अमेजिंग व्यू मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कितना मस्त व्यू मिल रहा है। और अगर इसी सेम ट्रिक को अगर आप लोग न्यूरक डैम में करते हो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्यू मिलता है। आप लोग यहाँ पे पूरा हवा में तैरने वाले हो इस तरीके से, और सेम ट्रिक का यूज करके आप लोग किसी भी चीज के आर पार जा सकते हो इस तरीके से। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको लॉन्च पैड के पास आ जाना है और सिंपली लॉन्च पैड को पूरा ऊपर कर देना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो गाड़ी को लॉन्च पैड के नीचे लेके आ जाए। उसके बाद आपको लॉन्च पैड को जोर से नीचे करना है और धीरे धीरे ऊपर करना है, और फिर आपकी गाड़ी इस तरीके से लॉन्च पैड के ऊपर चढ़ जाएगी, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग दिखता है। और यार ऐसा करना नॉर्मली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो आपके फ्रेंड लोग भी पूरा सरप्राइज हो जाएंगे। सो नेक्स्ट ट्रिक को करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लू वॉल को लगा दिया है, और फिर मैं इस साइड में यहाँ पे एक लैंडमाइन को लगा देता हूँ। और लैंडमाइन को लगाने के बाद मैं सिंपली ग्लू वॉल के दूसरे साइड चले जाऊंगा, और भाई यहाँ पे देखो लैंडमाइन फट चुका है और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा। लेकिन इसी सेम ट्रिक को अगर आप लोग आइस ग्लू वॉल के साथ करते हो तो यहाँ पे आपको भाई ग्लू वॉल का आर पार डैमेज पड़ने वाला है। पता नहीं आइस ग्लू वॉल के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की, और इस ट्रिक को करने के लिए अभी आपको आ जाना है बिग हेड मोड में, और जब आपका इजेक्ट बटन आ जाए तो सिंपली आपको डाटा को ऑफ करना है और इजेक्ट कर लेना है प्लेन से। और जब आप लोग जमीन पर लैंड करने वाले होंगे उसी टाइम पे आपको डाटा को ऑन कर लेना है, और आपके पास जो भी गन रहे उसका सिंपली स्कोप ओपन करके वेट करना है पिंग के नॉर्मल होने का। और जैसे पिंग नॉर्मल हो जाएगा आप लोग इस तरीके से भाई स्कोप से एरोप्लेन को देखने वाले हो, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको चले जाना एयरशिप के ऊपर, और ऊपर जाने के बाद सिंपली आपको वुकोंग बन के एयरशिप से जंप कर देना है स्पाउंड के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको डाटा को ऑफ कर लेना है, और उसके बाद जैसे आप लोग स्केटबोर्ड को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको भाई कुछ अलग ही व्यू मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देखो पूरा इनविजिबल होकर मैं पानी में स्विम कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है भाई पूरा सांप का व्यू मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो सिंपल सी ट्रिक को। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की, और इस ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और यहाँ पे आने के बाद आपको बैग और यूज वाले बटन को एक साथ प्रेस करना है और सिंपली आपको बैग को कट कर देना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो सारा का सारा चीज यहाँ पे एक ही बॉक्स में जा चुका है, जो कि यार काफी ज्यादा अलग सा ही कुछ दिखता है। और अगर आप लोग कुछ भी परचेज करोगे तो जो भी चीज सबसे ऊपर रहेगा वही चीज आपके यहाँ पे परचेज होने वाला है। सो बस इसके लिए बस इतना ही, वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।